हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो अगर आप कंसल्टेंट है या फिर रियल एस्टेट के लिए लीड जनरेट करते हैं या फिर कोचिंग के लिए लीड जनरेट करते हैं या फिर डायरेक्टली कॉल टू एक्शन देना चाहते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर रियल एस्टेट के लिए, तो किस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं ये वाला हेडर हेडर को स्टिकी हेडर करने के लिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे फ्लेक्सी फ्रंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर गए और उसके बाद यहाँ पे हमें सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हेलो बार पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइप करना, यहाँ पे डाल सकते हैं डायरेक्टली। तो ये हमारा एक हेलो बार ऑलरेडी बना के रखा है, तो इसे हम डिलीट कर देंगे, डिलीट कर दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे मान लो कि साइट बुकिंग करने के लिए ये वाला फॉर्म क्रिएट करना है, तो बुक योर साइट विजिट नाउ। तो मुझे साइट बुक करनी है और यहाँ पे मुझे कॉल टू एक्शन में देना है अपने फ़ोन नंबर। मान लो कि एडवांस में जाएंगे, मुझे यहाँ पे कॉलेबल लिंक के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे जाना है कि मुझे वो डायरेक्टली व्हाट्सएप करे, तो व्हाट्सएप में क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर क्रिएट करूँगा, डालूँगा। यहाँ पे डाल दिया। अब जब हम इसको सेव कर देंगे, अब पब्लिश कर देते हैं सबसे पहले, तो हमें यहाँ पे बटन हमारा जो मेन इस सेक्शन को क्रिएट करना क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे टॉप स्टिक और स्टॉप करना है टॉप, तब हमारा ये वाला सेक्शन टॉप के ऊपर ही रहेगा। तो इस तरीके से हम अपना स्टिकी हेडर कर सकते हैं अभी हमारा इस वाला वेबसाइट के ऊपर, या हमें इसे रिलेट कर देंगे सबसे पहले। एक मिनट, इसको पब्लिश करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली चेकआउट करेंगे कि किस तरीके से वो डिज़ाइन हो रहा हुआ है कि नहीं हुआ। और ये मेरा मोबाइल ऑप्टिमाइज है कि नहीं, तो मोबाइल इस मोबाइल में किसी इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो हम उसकी साइज़ थोड़ी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे जाएंगे अपने बटन के ऊपर, फ़ोन साइज़ थोड़ा कम कर देंगे, तो इस हिसाब से हम अपने स्टिकी हेडर को क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमारा ये पब्लिश हो गया है, तो डायरेक्टली हम इसको रिलेट करेंगे रिलोड। तो जब हम डायरेक्टली इसे स्क्रॉल आउट करेंगे, लेकिन ये ऊपर का ऊपर ही रहेगा क्योंकि वो हिला नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्टली उसको हेडर पे क्लिक किया हुआ है। तो इस तरीके से हम अपना हेडर को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए, किसी भी साइट बुकिंग करने के लिए या फिर डायरेक्टली कॉल बुक करवाने के लिए। मान लो कि मुझे इस वाले यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, तो डायरेक्टली मुझे वो व्हाट्सएप के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। तो इस हिसाब से हम अपने डायरेक्टली कस्टमर या क्लाइंट को यहाँ पे बुला सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।